और दोस्तों लक्ष्मी और विक्रांत की शादी पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अलग समय दिया गया है विक्रांत और जो कि लक्ष्मी को बातचीत करने के लिए, ताकि ये एक दूसरे के साथ में जो कि एक दूसरे को जान ले पहचान ले। और वहीं पर ही बात की जाए ऋषि की मॉम नीलम की, तो ऋषि की मॉम नीलम ने खुद ये डिसीजन छोड़ा है इस समय लक्ष्मी के हाथ में कि लक्ष्मी ये बताओ कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, तुम्हारा फैसला क्या है। जिसके बाद में लक्ष्मी ने साफ साफ खुले शब्दों में बोल दिया है कि जो आप लोग उचित समझें वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऋषि आयुष, ऋषि के फादर, ऋषि की दादी अहाना इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो आप लोग जानते ही है कि समय नीलम और नीलम के साथ साथ में करिश्मा और मलिश्का, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि चलो फाइनली अब लक्ष्मी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, वो भी विक्रांत से शादी करने के बाद में। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय विक्रांत बहुत ही अलग मिजाज का लड़का है। जी हाँ, क्योंकि वो दिल की बात पढ़ लेता है और विक्रांत को कहीं ना कहीं महसूस हो चुका है कि लक्ष्मी इस रिश्ते से खुश नहीं है। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी ने अपने और ऋषि के अतीत के बारे में बता दिया कि हम दोनों की शादी हुई थी और हम दोनों का डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स की वजह भी आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों अब जो कि खुद विक्रांत भी इस चीज़ को पढ़ चुका है कि हाँ असली चीज़ क्या हुई थी और कैसे हुई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कब क्या कैसे और क्यों होता है यहाँ पर। जो कि बात की जाए लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की हर चीज़ देखता हुआ नज़र आ रहा है, आदतें और लक्ष्मी की किस तरीके की टोन है ये सब कुछ देख रहा है इस वक्त। आप लोगों को पता ही है विक्रांत बहुत ज़्यादा सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएगा इस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।